हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सरजीत पावर लिफ्टर। तो आज हम आपको दिखाएंगे हमारे दो न्यू पीआर जो हमारे पिछले रिकॉर्ड से थोड़ा बेस्ट कराया आज हमने। तो भाई पावर लिफ्टिंग के अंदर यही अपने पीआर तोड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो चलो दिखाते हैं आपको। हाँ तो भाई हमारे सेकंड वार्म अप की लिए तैयारी चल रही है। अब देखते हैं सेकंड वार्म अप कैसा जाता है। हाँ तो भाई वार्म अप कंप्लीट हो गया है। अब हम करने जा रहे हैं टॉप सेट अपना। चलो देखते हैं कैसा जाता है। हाँ तो भाई एक पावर लिफ्टर का स्ट्रगल देखो। जिम के अंदर कोई भी नहीं है, सर्दी में सब बंदे जल्दी करके अपना वर्कआउट फ्री हो जाते हैं। और एक पावर लिफ्टर का जो वर्कआउट होता है भाई, उसको ख़त्म होने में मिनिमम से मिनिमम 1.5 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे लगते हैं भाई। तो भाई देख लो आप, सर्दी है फिर भी बंदे हैं जो भी पावर लिफ्टर है वो अपना वर्कआउट कर रहे हैं और मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो हमारा भी स्ट्रगल देखो थोड़ा बहुत भाई। घर चला जा घर, ओए टकले घर चला जा घर। कहाँ हो गया, कहाँ अभी तो बच रही है बेटा। ओए तू यहाँ ही है तो फिर यार मेरी हिप थ्रस्ट करवा दियो यार। अरे चूतिया बना ले बस भाई। सारे दोस्त मतलब ही होते हैं भाई, अपना काम निकालते हैं। देखो अभी एक बंदा नीचे है फिर भी वो आ नहीं रहा मेरा हिप थ्रस्ट करवाने के लिए। अब अकेला वेट कैसे रखूंगा मैं भाई। डेडलिफ्ट कंप्लीट होगी, अब इसके बाद में साइड एक्सरसाइज है जो करते हैं, शायद आपको दिखाऊं या ना दिखाऊं सोचता हूं। तो चलो देखते हैं आगे जो भी होता है वो। तो भाई अभी हमने करी है लेग पुल डाउन और हैमस्ट्रिंग कर्ल, इसके बाद बाइसेप्स करूँगा मैं।
डंबल हैमर और डंबल कर्ल। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।